3, 2, 1. Hello, assalamualaikum. My name is Muhammad Bilal. You're watching. At last, finally, alhamdulillah, I am Bilal. It's been a long time coming. और आपस की बात यह है कि जब भी आपका किसी चीज़ में ना मोमेंटम बना होता है ना और मोमेंटम टूटता है, ठीक है, तो उस मोमेंटम को रीगेन करने के लिए ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो होती है ना वो बड़ी साइकोलॉजिकली बड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, एक करवा घूट होता है जो आपको लेना पड़ता है। तो उसके लिए ना आपकी साइकोलॉजिकली आप बड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब ये हो रहा था कि मैं भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि चलो यार कल करते हैं, लेकिन आई एम फाइनली बैक अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात है, ये मेरी पहली अटैम्प्ट नहीं है इस वीडियो की, दूसरी अटैम्प्ट है। पहली अटैम्प्ट में कुछ बातें रह गई थी, मुझे ना वो चास नहीं आई, तो मैंने कहा दोबारा बनाते हैं। खैर, वेलकम बैक, ठीक है ना। होप यू आर वॉचिंग, होप यू स्टिल हेयर, होप यू आप लोग गायब नहीं हो गए, घोस्ट नहीं हो गए, भाग नहीं गए, छोड़ नहीं गए, आप लोग फिर अभी भी यहीं पे हैं। और आज हम बात करेंगे फलसफा रिज़ल्ट पे, नतीजे पे। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हमें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, इंटेंशनली या इंटेंशनली रैट रेस में भागना पड़ता है इन वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ लाइफ्स। ये एलीट क्लास रूल्ड, ठीक है ना, आइडियोलॉजीज़ जो है ना हमारे माशरे में इंस्टिल की गई हुई है थ्रू ऑल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है ना, फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम टू आर ऑर्गेनाइजेशन टू फर्दर आर गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। जहाँ पे रिजल्ट्स और क्या कहते हैं उसको, नंबर्स और ग्रेड्स और उसके नतीजे पर ना चीज़ें भागी जाती हैं। वी आर मेड टू कंपीट विद ईच अदर टू गेट दैट वन पोजीशन, टू गेट दैट वन रिज़ल्ट, टू गेट दैट वन डिसीजन इन आवर फेवर, ठीक है। और ये इस लेवल की प्लानिंग साथ डिस्टिल की हुई है हमारे माशरे में कि चाहे हमारा बच्चा हो जो मैट्रिक का रिज़ल्ट दे रहा है, पेपर दे रहा है, 10th का पेपर दे रहा है, 9th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ओ लेवल, ए लेवल, या फिर हमारी कोई जॉब हो, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव हो, हमें हर चीज़ के पीछे क्या कहते हैं उसको रिज़ल्ट चाहिए। मैं रिज़ल्ट में बात इसलिए की क्योंकि पिछले दोनों मेरे पेपर चल रहे थे और पिछले दोनों रिज़ल्ट आ रहे थे, आते रहते हैं, हर साल आते हैं, हर साल पेपर देते हैं बच्चे, हर साल रिज़ल्ट आते हैं। और मोस्ट प्रॉबेबल जो रिज़ल्ट होता है ज़्यादातर का जो होता है वो अनफेवरेबल ही होता है, ठीक है। फिर वो जो है वो सेल्फ पिटी और अनग्रेटफुलनेस के एक फेव चले जाते हैं जहाँ पर फिर वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी करते हैं और ये भी करते हैं कि यार मैं उससे ज़्यादा लायक था, मैं उससे ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने जो है क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम दिया था, वो तो ऐसा भी है, वो तो ऐसा भी है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, इस जो है ना एक फेम चले जाते हैं। सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग में जो फ़िलासफ़ीज़ इंस्टिल की गई हुई है ना वो हमारी असली फ़िलासफ़ी और हमारी फ़ितरा से बहुत मुख्तलिफ है। इंसानी फ़ितरा या फिर एक क्रिएचर की फ़ितरा कभी भी ये नहीं थी या है कि वो खुदा बन जाए। खुदा किस सेंस में बने कि एक इंसान के इख्तियार में कभी भी रिज़ल्ट नहीं था, ठीक है। रिज़ल्ट सिंपली हर वो चीज़ है जो आपके इख्तियार से ऊपर है, ठीक है। कुछ प्रोबेबल एस्पेक्ट्स और कुछ प्रोबेबल कंपोनेंट्स आप जरूर निकाल सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बट नन ऑफ दोज वर्क्स और नन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स कैन गारंटी रिजल्ट। ये चीज़ पता जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में एक और चीज़ जो इंस्टिल की हुई है वो ये है कि ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा कि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। अल्लाह ताला ये भी नहीं कहा कि तुम कम मेहनत करोगे तो मैं कम रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। अल्लाह ये भी नहीं कहा कि तुम कम मेहनत करोगे ज़्यादा मैं ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि रिवॉर्ड अल्लाह के इख्तियार में, सिंपली ज़्यादा कम ऊपर नीचे दाएं बाएं करना ही नहीं है आपका। हमारा फलसफा बड़ा क्लियर है, सिंपल सी बात है। हमारा फलसफा ये है ही नहीं कि ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ये ज़रूर है कि ज़्यादा मेहनत करने से शायद आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए रिजल्ट की, लेकिन दैन अगेन जो एंड रिज़ल्ट है या फिर जो एंड फैसला है वो अल्लाह का है, मेहनत का नहीं है, ठीक है ना, किसी और चीज़ का नहीं है। ऐसे बड़े लोगों को ज़िंदगी मिलेंगे जो सो कॉल्ड लकी होंगे, ठीक है ना, और ऐसे बड़ी लक फैक्टर्स आपको नजर आएंगे हर सक्सेसफुल स्टोरी में, ठीक है। तो ये हाँ कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जैसे हार्ड वर्क हो गया, डिटर्मिनेशन हो गई, डिसिप्लिन हो गया, बट ये चीज़ इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पूजना शुरू कर देना, ठीक है ना, कि शायद मॉर्निंग रूटीन्स मुझे सक्सेसफुल कर देगी या कोई ये वाली हैबिट या रूटीन सक्सेसफुल कर देगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अहमकाना हरकत है, क्योंकि रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, ठीक है। ये बात हमें जितना जल्दी जान लें उतना अच्छा है। हमारे वालदैन भी बच्चों की, और जारी बात है पूरी एक माशरा ही उसका प्रोडक्ट है, एक क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट माइंडसेट का प्रोडक्ट है। तो बच्चे वालदैन ये कर रहे होते हैं, वालदैन कहते हैं बेटा तुम्हें मैंने कमरा दिया, तुम्हें मैंने आसाइश, तुम्हें मैंने कंफर्ट दी, तुम्हें लग्जरी दी, ठीक है ना, आप तो मुझे रिजल्ट ला कर दो, ठीक है। उस वालिद का जो बॉस है वो उससे कहता है कि तुम्हें मैंने पैसे अच्छे दिए, तुम्हें मैंने हॉलीडेज़ दी, पर्क्स दिए, मुझे रिजल्ट ला कर दो। मेहनत में अजमत ज़रूर है, मेहनत में बरकत भी ज़रूर है, ठीक है ना। मेहनत से आपकी प्रॉबेबिलिटी, आपके चांसेस ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन याद रखना आपको हर चीज़ करने के लिए मेहनत की चाहिए, दरकार है। मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें भी मेहनत चाहिए, ठीक है। बट देन अगेन मैं ये सोचूँ कि मैंने मेहनत की है तो मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे या फिर मुझे जो मैं इसके थ्रू चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है वो पूरा होगा, दैट्स बियॉन्ड बाय इख्तियार। तब भी अल्लाह कुरान में बार बार कहते हैं मेरे नबियों को कि आपका काम है दावत देना। वो आपका काम ये नहीं है कि आप उनको सर पे खड़े होके इस्लाम कबूल करवाएं। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, प्रोसेस आपके हाथ में टू सम एक्सटेंट है। अभी फिर थोड़ी सी फिलोसॉफिकल डिबेट हो जाएगी, इस पर जाऊँगा भी मैं। प्रोसेस आपके हाथ में टू सम एक्सटेंट है, तो व्हाट यू आपको अपने रिज़ल्ट को नहीं फोकस करना होता, आपने प्रोसेस को बेहतर से बेहतर करना होता है एवरी टाइम, ठीक है ना। ये बात समझ आ जाए ना अगर हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, सबको, तो ज़िंदगी में असल जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो सिरे से रहेगी ही नहीं। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली फिर ग्रीफ, दुख, सेक्सुअल विक्टिमाइजेशन, पिटीनेस, कुछ भी नहीं होगा और, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कभी ये कंपैरिजन में किसी को नहीं मेहनत करवाई कि उसने ज़्यादा तुमने ज़्यादा मेहनत की तो तुम्हें मैंने कम दूंगा, तो उसने कम मेहनत की। ऐसा गैर मुमकिन है कि आप सब कुछ अपने इख्तियार के मुताबिक, अपने उस लेवल, उस वक्त के तकाजे के मुताबिक सही किया हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपके हाथों में ना आए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी तस्लीम हम करेंगे कि वी हैव नो कंट्रोल, हम प्रॉबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपने रिज़ल्ट की, सक्सेस की, लेकिन वी हैव नो कंट्रोल ओवर सक्सेस। नो हैबिट, नो कॉम्पोनेंट, नो एक्शन, नो रूटीन, या फिर कुछ भी ऐसी क्या कहते हैं उसको एस्पेक्ट आपके रिज़ल्ट पे इख्तियार नहीं रखती, ठीक है ना। अगर देना होता है तो वो दे देता है बस, और फिर आपकी मेहनत को नहीं तोलता, हार्डवर्क को नहीं तोलता, ठीक है ना, आपकी क्रिएटिविटी को नहीं तोलता, आपकी इनोवेशन को नहीं तोलता। मुकद्दर में आपके है, अल्लाह ने चाहा है तो मिलेगा, नहीं है तो आप ज़मीन को यहाँ से वहाँ कर दो, उल्टी की कलाबाजियाँ मारो, कुछ भी करो, नहीं मिलेगा। ये बहुत सिंपल बात थी, थोड़ी ज़्यादा एम्फसाइज की है समझाने के लिए कि स्टॉप रनिंग बिहाइंड रिजल्ट्स, ठीक है ना। ये जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट में मैंने उठाया हुआ है कि रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कॉम्पिटिशन है, हम ज़्यादा नंबर लेने, हम ज़्यादा करना है, हमें ज़्यादा करना है, ये नहीं है भाई, ऐसा दीन वैसा है ही नहीं, ठीक है। दीन क्या है? दीन है प्रोसेस का नाम। फॉलो द प्रोसेसेस, मेक इट बेटर एवरी टाइम, ठीक है ना, मेक इट मोर एफिशिएंट। बाकी आपका काम हो क्या, बस नबियों से भी यही कहा, और इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ज़दूक है, ज़दूक ही है, ठीक है ना। वो इख्तलाफी नंबर है कि 7 है, 9 है, 14 है, 70 है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन जो बात एक्सेप्टेड है और जो बात वो है मुस्तरद है वो ये है कि उनके सगे बेटा, उनकी सगी बेगम ने उनका इस्लाम ने, उनका मतलब मजहब ने कबूल किया, उनका पैगाम ने कबूल किया, ठीक है ना। तो क्या मतलब वो फिर अनसक्सेसफुल हो गए थे, ठीक है ना। या फिर क्या उन्होंने मेहनत नहीं की, क्रिएटिविटी नहीं थी उनके पास, इनोवेशन नहीं थी, नहीं। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, जिसका दिल पे नहीं आना नहीं आना, सिंपली, ठीक है, ओके। और अपने आपको इस माइंड सेट से निकालें। There is more to life than just running behind that one more grade, that one more piece of paper, or that one more, I don't know, marks, whatever, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब ख़त्म कर देना चाहिए बस, इससे लोगों को स्टेमिना ही नहीं।